बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और बाकी का सामान जो कि मैं घर का रह गया था ग्रोसरी में, वो ले आई हूँ। और सबसे पहले मैंने कहा व्यूवर्स के साथ शेयर कर लूँ, ये हैंड वॉशर है। जो नीचे का सामान था वो इधर रखा हुआ, क्योंकि ये वॉशरूम में लगेगा हैंड वॉशर ये। और साथ में ये वॉशरूम के लिए साबुन, और साथ ये मंजर जो के मस्तली मुझे चाहिए होता है ये। और साथ ये मैं लेकर आई थी ये मेडिसिन रखने के लिए, ट्रैवलिंग मतलब कहीं सफ़र करना पड़ जाता था तो ये ज़रूरी होना चाहिए। वो मेरे पास था लेकिन उसकी ज़िप ख़राब हो गई थी। ये घर के लिए होता है, इसमें मतलब पेनाडोल और एक्स्ट्रा, जैसे एक्स्ट्रा पेनाडोल सारी मतलब मेडिसिन ज़रूरी है घर के होने। और जैसे कि मैंने पहले वीडियो बनाई थी, ये मैं मेट्रो से लेकर आई थी। ये वाली जो टॉफियां हैं चॉकलेट्स की, ब्रार की, बहुत मज़ेदार हैं, आप भी ट्राई करना। ये मैं मेट्रो से लेकर आई थी, साथ में ये भी लेकर आई थी, ये भी बहुत मज़े के हैं। साथ ये लेकर आई थी, और उसके बाद ये ब्रार की चिप्स वगैरह, जैसे रात को लेट नाइट वो सोता है तो वो, जैसे केक वगैरह, और ये चीज़ें भी लेकर आई हूँ। ये तो इधर पास ही लेकर आई हूँ कैश एंड कैरी से। और एक और चीज़, ये मुझे ना गिफ्ट आया था पर्स कराची से, ये देखिए, मैंने कहा व्यूवर्स को दिखा देती हूँ। और बाकी की चीज़ें जो घी वगैरह वो ऊपर हैं वो जो, और व्यूवर्स ये देखें, ये एक और पाउच में लेकर आई हूँ। इसमें क्या रखना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और साथ में एक ये था, ये फुल भरा हुआ था, मेरी नंद लेकर आई थी वाइटनिंग कैप्सूल का, तो हाफ़ उसने ले लिया तो हाफ़ मैंने ले लिया ये वाइटनिंग के लिए ये। हाँ तो प्यारे व्यूअर्स, मैं आ गई हूँ किचन में, और जो सामान लेकर आई थी मैं इधर से पास ही, ये गरम मसाला है, और ये दालें हैं, दाल और ये चने हैं। अच्छा, हम दालें ज़्यादा नहीं लेके आते, क्योंकि जब बनानी होती हैं तभी लेके आते हैं, क्योंकि वो ख़राब हो जाती हैं, ज़्यादा देर बनाते नहीं हैं तो वो, फिर इसलिए ना चने और ये दो दालें मस्ट लेकर आते हैं, चने और ये वाली दाल, और साथ में ये गरम मसाला है, और ये चाय की पत्ती वाइटल इस्तेमाल करते हैं हम ये वाली। और साथ में ये जो दो घी हैं ये वाले, ये कढ़ाई के लिए हैं, कोई चीज़ फ्राई करनी पड़ जाती है। और ये 10 किलो चीनी है ये, और ये बनस्पति घी है 5 किलो। तो मैंने कहा व्यूअर्स के साथ शेयर कर दूँ। साथ में चीनी ख़त्म हुई पड़ी थी, चीनी डालनी है, साथ में पत्ती भी ख़त्म हुई पड़ी है, पत्ती अभी डालती हूँ। और आपने मुझे बताना है कमेंट्स में कि कौन कौन, दरअसल मैं जो ग्रोसरी होती है ना एक दफ़ा ही सारी कर लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा दो दफ़ा मेट्रो से की है, फिर इधर से की है, साथ घर के पास एक स्टोर उधर से, और दो तीन जगह से चीज़ें इस दफ़ा मैंने ली हैं। और इब्रार की आवर ट्यूशन और इब्रार की प्लेट में ले आएंगे धोने के लिए, उसको नूडल्स बना के दिए थे खा के, तो वो ट्यूशन चला गया, अभी उसने आना है और बस फिर उसको सुलाना थोड़ी देर, कहेगा मम्मा मुझे मोबाइल दो, आज सारा दिन उसने मोबाइल नहीं पकड़ा। तो व्यूअर्स अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी जो भी आने वाली वीडियो, न्यू आने वाली वीडियो जो मैं बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो अभी मैं करने लगी हूँ काम, ये वाला जो घी है इसको कढ़ाई में वो साफ़ करके डालूँगी, गर्म करके रखूँगी, क्योंकि शाम को इब्रार के लिए विंग्स बनाने पड़ जाते हैं, और क्योंकि वो तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि ये है पापड़ वगैरह इस तरह के, और या कोई चिकन फ्राई करना पड़ जाता है तो वो ज़रूरी है। तो 1 किलो घी हम उसके लिए अलहदा लेकर आते हैं, ठीक है। बनस्पति घी कौन कौन इस्तेमाल करता है, तो व्यूअर्स और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, और फुल वॉच करें मेरी वीडियो के को। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।